नहीं फिल्म की बात हो रही है, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है. फिल्म बहुत अच्छी है. आई सीन द फिल्म, आई एम पार्ट ऑफ इट. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स दैट आई हैव डन, एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच इट. नहीं ऐसा मैं कुछ कमिट नहीं करूँगा, बट मैं किसी अवार्ड से बेहतर मैं चाहता हूँ मेरी अपनी बेटी के साथ या बीवी के साथ कहीं खाना खिलाने लेके चला जाऊँ, और मैंने किया है ऐसा. बट ऐसी कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे को पसंद नहीं हो वही सही है. बिकॉज आई बीन वर्किंग विद रणवीर अभी फिल्म के लिए, बट बिकॉज वो इंडिया के लिए प्राइड का मोमेंट है. जैसे सेक्रेट गेम्स इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड है, तो हमारे लिए बहुत वैसा प्राइड का मोमेंट है कि दो बड़ी चीज़ें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यू नो गई हैं. आई एम डूइंग सॉरी अ फिल्म आई डिड कॉल्ड रात अकेली है, दैट विल रिलीज आई डोंट नो व्हेन, एंड नेक्स्ट इज शांताराम. आई हैवन्ट सेड, एंड देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स आई एम साइनिंग बट नो आई कांट टेल. My forthcoming films, there's one called House Arrest, which is a Netflix original film. It's coming out later this year, around November time. Unsure of the exact... And then there's another film I just finished the first schedule for called Tesh, which is Bijoy Nambiar's next film. ऐसे ही कुछ बात कर लेंगे. सुना है भुवन बाम बहुत ऐसे वॉइस ओवर्स करते हैं, तो आई एम जस्ट होपनिंग दैट भुवन बाम विल टेक दिस वीडियो एंड ही विल ओवरडब ओवर माय वॉइस एंड सम फनी शिट विल कम अक्रॉस. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, थिएटर के दोस्त हैं जो नॉमिनेटेड है, उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग नॉमिनेटेड हैं, यहाँ पे दरवाजे पे मिल गए तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके. तो आई एम इट्स अ सेकेंड एडिशन एंड अवार्ड सेरेमनी क्या है, बुलाते हैं, खातिरदारी करते हैं, आपके लिए कालीन बिछाते हैं, तो इट्स अ नाइस एटमॉस्फेयर, सो आई ऑलवेज इन्जॉय. अरे बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत. अभी मैं शुरू करूँगा तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन सब लोग फेटर्निटी में तो सारे लोग आपके दोस्त ही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं. लेकिन एक जो मिली थी मैं यहाँ पे गीतांजलि, तो उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत थिएटर किया हुआ है. पहले जब मैं इधर मुंबई आया था, मैं थिएटर कर रहा था, तो उनके साथ मैंने एक नाटक किया था, तो वो एक मेमोरीज है. NSD गए थे हम लोग, वहाँ पे शो किया था, तो उनके लिए खासकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जीतें आज. वो तो है, जैसे फ्री में बुलाते हैं, खरीदारी करते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है. ओके बाय बाय.
चले चले जी क्या कुछ नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बस खुश हूँ किसी को भी अवार्ड मिले आई एम हैप्पी अच्छी बात है अब मुझे लगता है वहाँ पे भी नॉमिनेशन होना चाहिए यहाँ इंडिया सिलेक्शन तो हुआ उधर जाके भी मिलना चाहिए बिकॉज दैट वाज अ ग्रेट फिल्म देखिए मैं तो ये एज एन एक्टर कहूँगा कि जितने अवार्ड हों अच्छा है हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ये मालूम नहीं लेकिन जो भी रेप्यूटेड अवार्ड्स हैं वो तो चलते रहने चाहिए ना और ये वन ऑफ द रेप्यूटेड है और वेब सीरीज के लिए तो बहुत कम अवार्ड्स हैं वैसे भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्योंकि वो एक नई चीज़ है और अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से शुरू हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो बहुत मिला है अदरवाइज फिल्म्स में इतने चांसेस थे नहीं और सीरियल्स आप हमेशा करना नहीं चाहते और फिल्म्स में आप यू डोंट गेट दैट ग्रेट रोल्स ऑलवेज तो OTT प्लेटफॉर्म्स मेरे जैसे एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा वरदान साबित हुए हैं मेरा ये मानना है कि देखिए दो तरह की चीज़ होती है एक होती है कम्युनिटी व्यूइंग जहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप बैठ के एक साथ फिल्म देखता है या कुछ करता है और एक होती है सोलो व्यूइंग आप अकेले बैठ के देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसी चीज़ है जो आप अकेले बैठ के देखते हैं तो जो अकेले बैठ के देखते हैं और एक ग्रुप में देखते हैं उनके नियम अलग हो सकते हैं सेंसर की तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थैंक यू अंदर भी आओ यहाँ पे एक्साइटेड तो मैं हूँ बिकॉज सेक्रेट गेम्स 2 आके बस अभी 1.5 months हुए हैं एंड ऑलरेडी आई हैव गॉट नॉमिनेशन फॉर कुसुम देवी यादव आई एम वेरी ओवरवेल्म बाय द रिस्पॉन्स दिस कैरेक्टर इज गेटिंग एंड ऑफकोर्स अवार्ड्स से थोड़ा हैप्पियर लगता है तो आज कुसुम देवी के लिए नॉमिनेशन है इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है एक्साइटमेंट हो रहा है और जिन एक्ट्रेसेस के साथ मुझे नॉमिनेशन मिला है वो सारी मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं मैंने उनके काम देखे हैं शिवानी का काम मुझे बहुत पसंद आया है और तो इन सब के साथ नॉमिनेट होना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी 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 नाइस थिंग सो आई एम वेरी एक्साइटेड तो अवार्ड किसी को भी मिले लेकिन बिकॉज आई एम नॉमिनेटेड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑफकोर्स आई गिव द क्रेडिट टू माई सेक्रेट गेम्स 2 टीम डिजिटल मीडिया हाँ लेकिन उससे एक अच्छी चीज़ हो रही है मुझे ऐसे लग रहा है कि डिजिटल मीडिया की वजह से अभी अभिनेत्रियों को विमेन एक्टर्स को बहुत अच्छे अच्छे रोल्स ज़्यादा मिल रहे हैं सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो इट और नॉट बट KD यादव इज़ अ मेल कैरेक्टर इन द बुक बट फॉर सेक्रेट गेम्स 2 इट वॉज कन्वर्टेड इन टू फीमेल वन आर राइटर्स टीम फ्रॉम सेक्रेट गेम्स 2 कन्वर्टेड इट इन टू अ फीमेल वन सो आई थिंक बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया फीमेल एक्टर्स को बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं और वो लाइक फॉर नेटफ्लिक्स इट्स रीचिंग 151 कंट्रीज सो लाइक हमारे रोल्स पहुंच भी रहे हैं सो आई थिंक वी आर इन बेस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ दीज OTT प्लेटफॉर्म्स एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत हैप्पी हूँ और श्वास मेरी जो पहली फिल्म थी
वो इंडिया की ऑस्कर एंट्री थी, उसके बाद गली बॉय इंडिया की ऑस्कर एंट्री है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. और हालांकि मेरी माँ भी आज यहाँ पे है, जो गली बॉय में मेरी मदर इन लॉ बनी थी. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ अस बिकॉज हम दोनों इस फिल्म के फिल्म का पार्ट हैं और ये फिल्म ऑस्कर के लिए जा रही है. आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ रखिए एंड वी होप दैट वी आर सक्सेसफुल देयर. थैंक यू सो मच. सी अवार्ड फंक्शन मतलब रील अवार्ड्स मेरे लिए काफ़ी मतलब मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ पर आना या इसी अवार्ड फंक्शन पे आना, क्योंकि दिस इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर मी. दिस इज़ लाफ्टर. ऑल माई फ्रेंड्स आर नॉमिनेटेड एंड आई थिंक द पीपल हु आर सिलेक्टेड ओवर हियर इज़ यू नो the best people of this industry, I feel like. क्या खास बात लगती है कहाँ की? यहाँ की. यहाँ पर एक तो जो लोग हैं काफ़ी जो जुड़े हैं इस यहाँ से, राजीव मसंद इज़ पार्ट ऑफ इट, सृष्टि एंड द पीपल ओवर हियर. तो और मुझे लगता है ना कि ये यहाँ पर मैं ऐ भी आ सकती हूँ, मतलब आप भी लोगों को देख के मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना. तो ऐसा लगता है कि घर जैसा है. बाकी जगह बहुत ही इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. हियर इट इज़ मोर ऑफ आर इंडस्ट्री. गर्ल ओके नहीं ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया से बहुत सारी खूबसूरत फिल्में अभी जो है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे हाथ में हो तो काफ़ी सारे फिल्में हम ऑस्कर के लिए भेजें. बट हाँ आई थिंक गली बॉय चूज़ हुई है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म. बट देर आर मेनी अदर फिल्म एंड आई थिंक एवरी वन शुड वॉच दैट फिल्म एंड दे शुड बी ऑल्सो सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद द बिगर फिल्म. क्या बोलूं? आई थिंक इट्स अ गुड की स्टोरी टेलिंग के पास इतने सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं. द ब्यूटी इज़ टू बी एबल टू सेलिब्रेट दोज इंडिपेंडेंट राइटर्स, स्टोरी टेलर्स, एक्टर्स एंड देयर सो मैनी ऑफ देम दीज डेज. सैड बात यह है कि शायद हम लोग के लाइफ में इतना टाइम नहीं होता है टू वॉच ऑल ऑफ देम, बट recommendations, that's what we look forward to. So I think that's what it's all about. हेलो. ये पहली दफ़ा है जब मैं ये अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ. आई कुडंट अटेंड इट इन द प्रीवियस सीजन्स ऑफ इट, सो वेरी एक्साइटेड. आई रियली वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन द इनसाइड एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी दैट दे आर
acknowledging and celebrating web content, OTT performers, makers. So it's great. बहुत ही अच्छी बात है. मतलब कि एक ज़माना था जब केवल ट्रांजिस्टर हुआ करता था, लोग यू नो अपना एंटरटेनमेंट जो है उसके थ्रू किया करते थे. फिर टेलीविज़न आया, फिर सैटेलाइट टेलीविज़न आया, और अब OTT है. तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे क्रिएटिव लोगों को अपनी कहानियाँ कहने के लिए, उतना ज़्यादा बेहतर है. तो एज समबडी हुज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, ऑल्सो एज अ कंज्यूमर ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी हैप्पी. अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. इट्स सच अ यूनिक कॉन्टेंट, इट्स नॉट योर रेगुलर रन ऑफ द मिल कॉन्टेंट. ब्यूटिफुल कॉन्टेंट एंड ऑल द बेस्ट. बस सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद. बहुत सारे नॉमिनेशंस आई एम श्योर हुए होंगे यू नो इन द अवार्ड. क्या कहूँगा, ऑल द बेस्ट. आई थिंक यू नो टू ऑल. जी हाँ, मैं देखता हूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे पता नहीं, अब तक किसी ने मुझे बताया नहीं है. बट अगर कोई जा रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट टू देम. यू नो आई थिंक इट्स वेरी, इट्स अ डिफिकल्ट चैलेंजिंग प्लेस टू बी एट. बेस्ट विशेस. Now, there's room for three of us or Pratik? Yeah, yeah, yeah. Okay. Why are you feeling so alone? Hello. बहुत ही ज़्यादा. बहुत excited है. First of all, and we're looking forward to the show. Yeah. We are the crew of a web series called Hawa Badle Hustle. And Pratik is the producer and co-writer, and three of us have acted in it. हाँ, मतलब हमारे जेनरेशन के लोग आजकल ज़्यादा ऑनलाइन ही देखते हैं. बहुत कम ही सुनते हैं कि फिल्म देखने जा रहे हैं बाहर. तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही सब कुछ देख लेते हैं. जो काम होता है वो भी आपस में व्हाट्सएप पर और मेल्स पे शेयर हो जाता है. सो आई थिंक ऑनलाइन इज द King. Thank you. Silo killer. Thank you. Are we done? Are we okay? Ah, thank you. You answered the question. Done? Yeah. Good. Bye then and all the best. हाँ जी, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. बहुत सारी एक्साइटमेंट है बिकॉज आईरियल अवार्ड्स अपने तीसरे साल में, और बहुत ज़रूरी है ऐसे अवार्ड्स होना बिकॉज इतना कंटेंट बनता है वेब पर. सो इट्स वेरी नाइस दैट यू नो एक्टर्स, शो मेकर्स, कॉन्टेंट रनर्स, प्रोड्यूसर्स हु पुट इन सो मच एफर्ट बिहाइंड such lovely series you know they get felicitated. And of course as an audience, maybe a audience, mujhe bhi pata chalta hai ki kaun se acche shows hain, kyunki aap nominations dekhte hain, aap awardees ko dekhte hain, tab aapka wo dekhne ka man karta hai. Phir haan ji 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 nahi, definitely ye to hona hi tha. You know digital is a very very powerful tool. बहुत सारे लोगों को रीच करता है, और आजकल डिजिटल जो हमारा टीवी है वो फ़ोन पर आ गया है. एवरीबडी वॉचेस कंटेंट ऑन द फोन. जहाँ पर आप बैठना चाहें कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. एंड आई थिंक इट इज़ इट्स अ पार्ट ऑफ टुडे, इट्स अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर. सो इट्स ग्रेट दैट एंड आई एम प्रीटी श्योर एक्चुअली नो देयर विल बी अ होल बंच ऑफ इयर्स टू फॉलो फॉर आईरियल अवार्ड्स. जी हाँ जी हाँ नहीं, डेफिनेटली आई थिंक गली बॉय नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए. बहुत प्राउड मोमेंट है कंट्री के लिए. एंड आई रियली विश ज़ोया अख्तर एंड द एंटायर टीम ऑफ गली बॉय, रणवीर, आलिया, एवरीबडी यू नो. सो आई वांट टू विश देम द बेस्ट. ऑन दैट नोट आई वांट टू टेल एवरीबडी, मेरा एक शो है अमेजॉन प्राइम पर, इट्स कॉल्ड द रीमिक्स. वो एमीज के लिए नॉमिनेट हुआ है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट इज़ वेल. मैं लास्टली आपको बोलना चाहूँगा, ये जो आपने गली बॉय का सवाल पूछा है, आप मेरे शो के लिए पूछना कि रीमेक्स का एक शो है, एमीज के लिए नॉमिनेट हुआ है. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
हाय इधर इस वाले यार मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड इन वन कैटेगरी विच इज़ बेस्ट एक्टर कॉमेडी सो फॉर एन एक्टर टू बी नॉमिनेटेड इन अ बेस्ट एक्टर कैटेगरी और क्या चाहिए अवार्ड मिलेगा नहीं पता है बट मिल जाए तो और सोने पे सुहागा है सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड थोड़ा नर्वस भी हूँ सो आई हैव रीजंस टू बी एक्साइटेड मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है बिकॉज मेरा तो काम मिलना ही मुझे वहाँ से शुरू हुआ डिजिटल मीडियम की वजह से उससे पहले भी मैं करता था बट आता जाता काम मिलता था बट व्हेन आई डिड माय फर्स्ट शो ट्रिपलिंग जिसके लिए मैं अब नॉमिनेटेड हूँ सीजन टू के लिए उसके बाद से फर्स्ट टाइम आपको पॉपुलैरिटी मिली फर्स्ट टाइम फैंस बने आपके लाइफ में और उसकी वजह से बहुत सारा काम मिला तो मैं तो जय डिजिटल यार आई लव गली बॉय मैंने टेस्ट भी किया था गली बॉय के लिए उस टाइम से मुझे पता था कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म शायद बनेगी एंड इट फ्रॉम द फर्स्ट टीजर ऑनवर्ड्स आई लव्ड एवरीथिंग दैट केम आउट अबाउट द फिल्म एवरीबॉडीज परफॉर्मेंसेज हाउ द फिल्म इज मेड सो आई एम वेरी हैप्पी द फिल्म इज बीन नॉमिनेटेड उसमें अपना एक टेस्ट है अपना एक टेक्सचर है एक इंडियन टेक्सचर भी है इट स्टिल बट टेक्निकलिटीज में मॉडर्न भी है सो आई थिंक इट्स गॉट अ गुड चांस एट द ऑस्कर्स फैंस को क्या बोलेंगे यार फैंस को ये बोलेंगे कि आप आई कीप गेटिंग योर लव एंड इट विल बी नाइस इफ यू कीप सेंडिंग योर लव एंड स्प्रेड द लव सेंड लव दैट्स ऑल आई वांट थैंक यू सो मच जी अंग्रेजी में बोल सकता हूँ हाँ तो इट्स एक्साइटमेंट इज नॉट द राइट वर्ड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द शो दैट आई वर्कड ऑन यू नो इट्स अ वेरी इंटेंस शो इंटेंस एक्सपीरियंस टू मेक एंड आई बिलीव टू वॉच आई एम happy that people are engaging with the show, that people are watching it, that people are responding to it. At the same time, I'm very sad that the show still has relevance and that it can be also slightly heartbreaking. Yeah. Huh. I mean, digital media is extremely powerful today, and I believe that because of the changes in OTT storytelling, you have audiences now watching 6-hour films, 8-hour films, 10-hour films. This is a very new way of consuming stories all over the world. And I think it's very exciting for creators to work in this new narration field. I'm very excited about Gully Boy being representing India at the Academy Awards. I think it's the right choice. I'm a big fan of the film, big fan of the director, and I think it's a great representation of what's happening in this country. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नॉमिनेटेड हूँ अपना ऑफिस शो नॉमिनेटेड है सो आई थिंक इट्स अ शो दैट जस्ट कम आउट तो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट हमारा सेकंड सीजन भी आ गया है सो व्हाट अ वंडरफुल वे टू काइंड ऑफ बी रिकग्नाइज फॉर इट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड देयर सो मेनी वंडरफुल पीपल हु बीन नॉमिनेटेड सो मेनी वंडरफुल अदर शोज इट्स जस्ट फैंटास्टिक टू सी ऑल ऑफ देम जी आई लव द मूवी आई एब्सोल्युटली लव द मूवी एंड आई होप You know, we always hope every year that hamari jo ek film hai, wo final tak pahunchegi and I hope this one goes all the way. All the best to them, yeah. Thank you. Okay.
Salim? Salim? We just... I can't believe you could just click me with this. Ek video bana lo. Thank you. Okay, whatever, whatever. What are the bites? What bites? Very excited. आम आदमी फैमिली को यू नो नॉमिनेट किया है मुझे इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी एंड हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दैट एक छोटा सा शो जो रिकग्नाइज होकर नॉमिनेशन की हद तक आ गया है सो आई थिंक सीजन 3 आया है सो आई थिंक इट्स प्रीटी वेल डन वी हैव डन अ गुड जॉब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं बहुत एक्साइटेड हूँ अवार्ड फंक्शंस तो हमेशा अच्छे मज़ा ही आता है उसमें और मैं देने जा रहा हूँ अवार्ड तो मुझे बहुत खुशी है इस बात अच्छा है ना बहुत ज़्यादा और भी काम हो रहा है तो हम लोगों को और भी काम मिलेगा तो और जितने आर्टिस्ट हैं और जो जिस तरह की लिबर्टी है इस मीडियम के अंदर सेंसरशिप नहीं है तो आदमी को अपने आप को व्यक्त करने का अच्छा मौका है अच्छी कहानियाँ आ रही हैं अच्छे आर्टिस्ट डेवलप हो रहे हैं अरे प्राउड वी आर प्राउड ऑफ जोया एंड हिज एंटायर टीम क्या मैसेज देना है मतलब इसी तरह से आप लोग अवार्ड फंक्शंस करते रहें और आर्टिस्ट को एनकरेज करते रहें ताकि वो और भी अच्छा काम करें थैंक यू तरिया पे आइए जी अच्छा अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पिछली बार मेरा मिस हो गया था अवार्ड फंक्शन मैं ट्रैवल कर रहा था अपनी एक फिल्म के लिए तो अभी मौका मिला है मैं यहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बुलाया गया है और जिस तरह के अवार्ड्स हैं आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली जो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज आ रही हैं या फिल्म रिलीज़ हो रही हैं उन एक्टर्स के लिए भी जो यू नो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और अब कंटेंट वाइज वो आ रहे हैं उनको मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं तो अभी बहुत अच्छा कंपटीशन भी है और अच्छा भी लग रहा है देख के कि काम को सराहना मिल रही है यू नो पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट सो एक अच्छा हुआ है मैं बहुत खुश हूँ नॉट जस्ट बिकॉज वो बिकॉज आई बीन वर्किंग विद रणवीर अभी फिल्म के लिए बट बिकॉज वो इंडिया के लिए प्राइड का मोमेंट है जैसे सीक्रेट गेम्स इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड है तो हमारे लिए बहुत वैसा प्राइड का मोमेंट है कि दो बड़ी चीज़ें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यू नो गई हैं और कम्पीट करने वाली हैं आई विश ऑल द लक जोया अख्तर जी को रणवीर सिंह को विजय वर्मा को सीक्रेट गेम की पूरी टीम को एंड आई थिंक अपना टाइम आ गया है शायद तो होना चाहिए कुछ सफ़र बहुत बढ़िया है यार मेरे चेहरे की मुस्कान से आपको पता लग जाएगा बट यस ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है बिकॉज आपके काम को पहचान मिलना और उसके बाद यू नो सस्टेन कर पाना बड़ा इम्पोर्टेंट है तो अभी वही चल रहा है जोन तो 83 मिल गई है फॉर्चुनेटली बट बहुत मेहनत लग रही है बिकॉज पूरा एक साल होने वाला है नवंबर में वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग और यू नो प्रिपेयरिंग फॉर इट तो अभी शूटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है स्टिल वी आर शूटिंग फॉर द मूवी लेकिन एक बात बता सकता हूँ बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत ही प्यारी खूबसूरत मतलब एक ऐसी स्पोर्ट्स पे फिल्म आने वाली है 2020 में कि आप सब यू लव इट डेफिनेटली
हाँ वो रणवीर सिंह को मिल रहे हैं उनसे, तो बाकी हम तो उनके साथ रहते हैं तो अच्छा लगता ही है। बहुत ही मतलब एक बहुत उनके बारे में बात है ना, एनर्जेटिक तो है ही है लेकिन साथ में सपोर्टिव है। सेट पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा चार्ज अप हो जाता है माहौल और खूब हमारी नोकझोंक चलती रहती है आपस में ग्राउंड पे, और कुछ करने को नहीं होता, खड़े हैं अपना आराम से, तो फिर उधर से बातें चल रही हैं, इधर से जवाब दिया जा रहा है, तो वो बहुत हो रहा है फील्ड पे। ऑनेस्टली अभी ये है 83 पे फोकस कर रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं कोई और, बिकॉज यू नो अभी एक तरह का काम आ रहा है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा काम आए ताकि मैं और वर्सेटिलिटी दिखा सकूँ एज एन एक्टर। मेकर्स आ गए होंगे या फिर अंदर होंगे उनसे पूछिए ये सवाल, तो मेरा कंप्लीट हो गया भाई, मैं दोनों सीजन मेरे थे मैं कंप्लीट हो चुका हूँ और आई डोंट नो आई मीन मुझे पता नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे पहचान लोगे ना, सो द मोस्ट टैलेंटेड गाय द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर राजा मेरी भी चाहता मत, मैं चाहता मत, फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला सर के साथ काम करने का सोनसिरिया में, मैं अभी वही बता रहा था कि मैं आज के अवार्ड फंक्शन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज नॉमिनेटेड हूँ और बस वही मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है क्योंकि मैं नॉर्मली नॉमिनेटेड नहीं होता, तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ तो बहुत खुशी की बात है। डिजिटल मीडिया बहुत पावरफुल हो गई है और ओ यस यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई सोच नहीं सकता था एक्चुअली 20 साल पहले हमको लगता था कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है कि हम लोग अब यू नो कम होना शुरू हो जाएगा वो, एंड आई थिंक नोबडी सॉ दिस कमिंग। तो डिजिटल के आने से वो जो हमारे आप समझ लीजिए 400-500 चैनल जो थे वो किसी ने सोचा नहीं था कि 5,000-5,00,000 में 50,00,000 में बदल जाएंगे, और आज वही हो रहा है कि जो कंटेंट की दुनिया मीडिया की दुनिया हैज़ एक्सप्लोडेड थैंक्स टू डिजिटल एंड इट्स अमेजिंग। ओह ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर गली बॉय, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं उस फिल्म में, मुझे फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट गली बॉय इज़ द इंडियाज़ ऑफरिंग टू द ऑस्कर्स एंड आई होप वी विन। जी जी हाँ, सीक्रेट गेम्स वॉज क्वाइट वेल रिसीव्ड और मेरा काम भी वॉज क्वाइट वेल रिसीव्ड, और भी वेब सीरीज़ हैं जिनमें मुझे आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए ये बात है कि इस वक्त मुझे बहुत अलग अलग किस्म का काम मिल रहा है जो कि मैं बहुत देर से इंतज़ार करता रहा हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिले जहाँ अलग अलग तरह के रोल्स करने के लिए मिलें, इंस्टेड ऑफ़ कि अगर आपका एक रोल सक्सेसफुल होता है तो उसी तरह के फिल्में या उसी तरह टाइप कास्ट, सो आई डिडंट वांट टू एवर बी टाइप कास्ट एंड सैडली मेन स्ट्रीम फिल्म्स में मेरा वही हो रहा था कि आई वाज ईदर गेटिंग टाइप कास्ट और नो कास्ट, सो अब ओटीटी में यही है, मुझे खुशी है कि मुझे अलग अलग तरह के रोल्स मिल रहे हैं। सीक्रेट गेम्स में जैसे आपने देखा मैंने ये था मेट्रो पार्क जिसकी मेरी आज नॉमिनेशन है वो बहुत अलग है, और भी जो मैं अब काम कर रहा हूँ जैसे बॉम्बर्स Z5 के लिए किया वो बहुत अलग था, स्पोर्ट्स ड्रामा था, अब मैं कर रहा हूँ परिवार है MX के लिए विच इज़ अ ड्रामेडी, मिडिल क्लास स्मॉल टाउन फैमिली की ये कॉमेडी है, एक सॉरी नॉट MX ये उसके लिए है हॉटस्टार के लिए, MX के लिए एक अलग सीरीज़ कर रहा हूँ, ये पिछले एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, MX के लिए एक सीरीज़ मैं की है मैजिक विच इज़ अ थ्रिलर, सो ये है अभी तक। सो एटलीस्ट इस साल में मैंने 2 या 3 वेब सीरीज़ की हैं जो अब अगले एक साल में आएंगी।
मूवीज़ आई थिंक सोन चिड़िया के बाद आई हैव डन अ कपल ऑफ देम बट मोस्टली कॉमेडीज़ जैसे कि अभी एक 11th अक्टूबर को लूट केस इज़ गोइंग टू बी आउट लूट केस में कुणाल खेमू हैं ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर वेरी फनी एंड इज़ वेरी गुड विद कॉमेडी आई हैव टू से आज कहना ज़रूरी है क्योंकि मेरी अपनी नॉमिनेशन कॉमेडी की है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्लेइंग सपोर्टिंग कास्ट प्लेइंग सपोर्ट गिविंग सपोर्ट टू समबडी लाइक कुणाल खेमू यू नो हु इज़ लीडिंग इन द फिल्म रसिका दुग्गल हु इज़ ऑल्सो फैबुलस फैबुलस एक्ट्रेस एंड शी इज़ ऑल्सो स्टेपिंग आउट ऑफ हर कम्फर्ट जोन और वो भी कुछ इस फिल्म में अलग कर रही हैं कॉमेडी विजय राज हु इज़ अ लेजेंड यू नो गजराज राव हु इज़ ऑल्सो अ लेजेंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अंग्रेजी मीडियम विच इज़ होमीज सीक्वल टू हिंदी मीडियम इरफान के साथ इरफान एंड दीपक डोबरियाल तो कॉमेडीज ही अभी तक फिल्म में बस जाऊँ पूरा मेरा इंटरव्यू ख़त्म हाँ मुझे नौकरी मिलेगी थैंक यू Yes. Wow, so many. Hi to everyone first. Ji. Ji haan. Haan ji. Yaar experience to hamesha ki tarah bada mazedar raha. Mirzapur ke sath bahut sare challenges aate hain. Logon ko jitna dekhne mein maza aata hai lekin shoot karna kafi mushkil hota hai wo kafi hectic hota hai but ha second season hum logon ne shoot complete kar liya hai uska so hopefully aap logon tak jaldi pahunch payega and good fun man good intense but good yaar munna bhaiya jaise hu waise hi hai I mean he's a very unpredictable character to kuch koi ek sur nahi hai jisko aap leke munna ke sath chal sakte hain every situation is a different man so that's what I like about Yeah, and I've done a film called Kanpur. Then there is a web series coming, Salt City, and lot many more. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ आज के award function से. Yeah, it's really nice. You know, हम लोग मेहनत करते हैं, लोग देखते हैं, और उसके बाद अगर कोई आपका talent, अगर आपका effort को recognize करे, so really thanks to IREEL Awards here. बहुत ज़रूरी होता है किसी भी artist के लिए, so really thankful. जी हाँ बहुत अच्छी बात है यार आई रियली रियली लव द फिल्म मेरे हिसाब से जोया अख्तर जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स हैं हमारी कंट्री की तो रियली हैप्पी ऑल द बेस्ट विशेस आई होप वी कैन ब्रिंग द स्टैच्यू होम थैंक यू गाइस गुड नाइट सोलो नहीं है आज
क्या हाल है दोनों? कुछ नहीं, क्या कहूँगा मैं, कुछ नहीं कहूँगा मैं. इनका हाथ देख रहा हूँ, बोल रहे हैं इस कैमरे में देखो. अच्छा है एक एक्टर के लिए, मतलब मैं नॉमिनेट हूँ एक कैटेगरी में, और डिजिटल कंटेंट की पहुँच बहुत बड़ी हुई है हिंदुस्तान में, लोग देख रहे हैं, तो ये अच्छा है. टैलेंट को बहुत मौका मिल रहा है, अभी जितने भी अच्छे एक्टर हैं वो खाली नहीं हैं, सिर्फ जो वेब सीरीज़ की बदौलत. तो अच्छा अच्छा दौर है एक्ट्रेस के लिए, स्टोरी टेलर के लिए. कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं, काम करके निकल जाता हूँ, कहता कुछ नहीं हूँ. सुनो, ख़त्म किया है हर रोल में कुछ ना कुछ चैलेंजेज होते हैं. अब चूंकि मिर्ज़ापुर वन बहुत पसंद की जा चुकी है तो थोड़ी सी उसमें दबाव बढ़ जाता है कि यार टू में अच्छा करना है. तो बहुत कमाल की राइटिंग है उसकी भी, कमाल ब्रिलियंट है, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया. यार मैं सच पूछो, मेरे से बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे पता है एमी कहाँ होता है, यूके, यूएस में होता है ना? हाँ न्यूयॉर्क में होता है आई थिंक. तो मुझे ठीक से उतना मालूम नहीं है कितना बड़ा है. पिछले दिनों ऑस्कर में गया था तो पता चला ऑस्कर भी बहुत बड़ा होता है, एक वर्ल्ड हमें क्या फॉरेन लैंग्वेज की फिल्मों का मिलता है जिसमें 90 कंट्री आ जाती हैं. अच्छी बात है, हमारे कंटेंट को इंटरनेशनल पहचान मिल रही है तो ये तो अच्छी बात है. हाँ हमारे दोस्त की फिल्म है रणवीर की, तो पहले तो उनको बधाई रणवीर को, क्योंकि कल सेट पे नहीं था वो, हम लोग कर रहे थे शूट. तो उसमें और हैं सारे दोस्त हैं, सिद्धार्थ हैं, विजय हैं, एक्सेल की फिल्म है, मिर्ज़ापुर एक्सेल का है तो घर जैसी कंपनी है, तो पूरी टीम को यहाँ से बधाई है. उतना ही जितना बैंक बैलेंस का. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कोई भी अवार्ड होना अच्छा ही लगता है, सम्मान मिलना किसको बुरा लगता है. बट हाँ मतलब इनका फॉर्मेट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें डांस, पता नहीं आज तो नहीं है ना डांस वांस. हाँ तो बाकी वो जो नाच गाने हैं जिसमें वो बड़ा, मेरे को समझ नहीं आता. मैं नहीं ऐसा मैं कुछ कमिट नहीं करूँगा, बट मैं किसी अवार्ड से बेहतर मैं चाहता हूँ मेरी अपनी बेटी के साथ या बीवी के साथ कहीं खाना खिलाने लेके चला जाऊँ, और मैंने किया है ऐसा. बट ऐसी कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे को पसंद नहीं हो वही सही है. मुझे पसंद नहीं हो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं तो अपना अपना चॉइस है. For me, he remains the same Pankaj Tripathi, so that doesn't change at all. That doesn't change at all. They also say that behind every successful man, there is a woman, so... Yes, yes, dekhiye. I don't know who says what or what has been said. I know that we both have been sharing a journey together and it's been incredible. No, I have always been throwing tantrums since day one till today. He is the one at the receiving end. So. गुरु आज ही दाल बना के आया हूँ मैं दोपहर में. पूछ लो इनसे. Also, are you his biggest critic? Yes, a brutal one, a bad one. Okay, so tell me which is the best performance of his that you really like and one performance that you didn't. I loved him in Powder. There was one series I loved him. There was one ad of a car loan ad, which I really liked, and Gurgaon. Yes. कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उनके फिल्मोग्राफी में, बट आपको पब्लिकली मत बताना. वो नहीं बताऊंगी. अच्छी बात है, हमने अब पहले बोला ना कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमारे सिनेमा को, हमारी सीरीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है. औसेपुर तो सच में कल्ट फिल्म है, मतलब जो मिलता है मुझे, मैं सुल्तान के नाम से ही मुझे ज़्यादातर लोग बोलते हैं,
जो किरदार किया था होसेपुर में, नाउ अभी कालीन भैया, पहले सुल्तान होता था अब कालीन भैया। बहुत सारी हैं, मत पूछो। मैं तो यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ। 83 है, कारगिल गर्ल है, अनुराग बसु की नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर 2 है, और याद भूल रहा हूँ, बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा। अरे वो तो हमारे मोहब्बत है, बहुत बढ़िया। अरे उस बोलना है उनके बारे में, क्या बोलना है, बहुत प्यार है उससे। शुक्रिया पंकज जी सर। अरे क्या, हेलो मैम, कैसे हो आप? तो पतला हो गया सर, लोगों की सोच पतली हो रही है, मैं सिर्फ सर जिसमें बता रहा हूँ। मैं ठीक हो गया एकदम, टचवुड सर, फुल भाग रहा हूँ। आप फुटबॉल फील्ड में देखो एक बार, आप सर्जरी करना, आप अगर देख लोगे टचवुड भागते हुए, हाँ अभी तो कुछ वही था। या सर नमस्कार, क्या हाल चाल है सबके, कैसी चल रही जिंदगी? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम, हाउ इज इट गोइंग सर? लुक सेंटर सेंटर, या यार यू नो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से इनक्रेडिबल अवार्ड शोज, सो यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि किस किसने अच्छा परफॉर्म किया और किसकी परफॉर्मेंस को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। यार मोर ऑफन दो नॉट अवार्ड्स मायने रखते हैं, स्पेशली इफ उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो। एंड क्या होता है, आप जितनी मेहनत करते हैं बहुत ही कुछ तरीकों से आपको उसका वापस ग्रेटिफिकेशन मिलता है। ऑफ कोर्स वन इज़ ऑडियंस लव, विच इज़ यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन कम्स अवार्ड्स, देन कम्स अप्रिसिएशन फ्रॉम योर यू नो कॉलीग्स इन द फ्रेटर्निटी। सो या आई मीन सिर्फ कुछ तीन चार माध्यम से ही आपको पता लग पाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अवार्ड इज़ वन ऑफ देम। टचवुड, नो ड्रीम गर्ल इज़ कॉल्ड। Very honestly, just 3 days back when we both were hosting IFA together, we were, you know, having dinner backstage and all four of us were sitting, me, bhaiya, bhabhi and my wife, and koi act chal raha tha us samay stage pe jab dance chal raha tha, humne beech mein quickly 10 minute ka break liya and we were having dinner and we were talking about the same thing, that you know it is so surreal to see all four of us together in this city and also have a very happy life, you know. There are a lot of artists in the country, a lot of actors in the country who come here with the same dream, and not very often this, you know, happens, especially to two people in the same family. God has just been more than kind. I think we couldn't have asked for a better life. I just hope that this phase never gets over, that there should be happier days ahead. And yeah, I mean, as I'm talking, there's a certain kind of, you know, my heart skipped a beat saying that, God should bless all of us. Yaar, I have just finished shooting for Street Dancer 3D. I've finished shooting for Pati Patni Aur Vo. And yeah, these are the two films I've finished shooting for. Yeah. Yeah. Yaar, Gully Boy definitely has been one of the best films of this year. And deserves the best, yeah. I think it's an apt choice to send to the Oscars. And I have a half musician in me. I really cried while watching the film. We only criticize each other's work. Tareef ho hi nahi pati hai yaar ghar pe ek dusre ki. So I think that's one of the main reason. I think that's how you get a reality check in life. If your own friends and family members, agar aapke aas pas bahut sare yes man hote hain, I think you can't really grow in life. So you really need to have people around you who tell you the true picture. यार पति पत्नी और वो ओके यार आपने ऑलरेडी संजीव सर वाली देखी है पति पत्नी और वो, उतनी ही रोमांचक, उतनी ही सिचुएशनल जो चीज़ें उठती हैं उतनी ही ज़्यादा क्वर्की है ये फिल्म भी। एंड यू हैव सीन मी एंड कार्तिक इन लुक्का छुपी, आई थिंक द काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी बोथ शेयर्ड इन लुक्का छुपी विल कंटिन्यू फ्रॉम वे वी लेफ्ट। एंड टचवुड, वी हैड अ ग्रेट शूट, वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग टुगेदर इन लखनऊ, कार्तिक, मी, भूमि, अनन्या,
and I think we are totally ready to kind of come this year and take you all by surprise. Yeah, thank you so much, guys. Thanks a lot. Thank you. Oh, you did so well at IFA. Thank you so much. I loved it. You guys are so much fun. Thank you, thank you. So sorry, Baba. So sorry. No problem. All good. Ab idhar, idhar, idhar. Thank you. Where's Himanshi? Himanshi, what do we have to do? Where are we going? Are we done here? Kisko bite karu? Ye IREAL awards ke liye. Main bahut excited hoon. Sacred Games is nominated. I think last year Sacred Games won an award for best series. So obviously I'm very excited. It's my first time. I wasn't there last year. Yeah. Bahut excited hoon. I love the looking absolutely gorgeous. Thank you. Diya Rajvir. Beautiful. It's the first time I'm wearing her and I think it's pretty cool, funky. What are you working on? I'm working on two films right now. I cannot tell you which ones those are, but you will know very soon. Very, very soon you'll know which films. This year you'll know. I mean, when I read it first, I was very, very, I was shocked and I was surprised and I had like palpitations and I didn't know what to do. The first thing I did, I just called Anurag sir and I was like, he was like, congratulations. And I said, congratulations to you. And I almost started crying, but it's a surreal feeling. I never thought that Sacred Games is going to get an Emmy nomination. So I think I'm still flying high. Thinking about it. Yes. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you. Hi. I'm excited. I'm actually here to present an award because I really, really like IREAL Awards and I've got an award from IREAL as well. So very excited to be here. जी नहीं फिल्म की बात हो रही है सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही फिल्म बहुत अच्छी है I've seen the film I'm part of it I'm very very proud of it I think it's one of the most special films that I've done and I just can't wait for people to watch it मिलने दो यार क्यों नजर लगा रहे हो या No, yeah, I can't. You know, things that you can't help, that you can't do anything about, you should not take pressure about them. It's a producer's call. But I'm very happy with the film, as I said, Made in China, the film that I'm really, really proud of. As you'll watch it, you'll know what I'm saying. It's a very funny. It's got a lot of soul in it. It's a great story to be told. So I'm very happy for our film and Houseful 4 also. I'm all my good wishes are with them and Akshay Sir, I'm a big fan as well. After Made in China.
Yeah, there's a film by Hansal sir, Hansal Mehta, which Lavranjan has written and produced. Then there is Rui Afza, again with Dinu and Janvi Kapoor and Varun. Then I'm going to start shooting for White Tiger. Yeah, the reading sessions have started. Yeah. Well, great. Priyanka is a fab girl, and Priyanka is a fab girl, and the whole team. Ramin, I'm a big, big fan of his work and of him as a person as well. He's such a great guy, and Adarsh is phenomenally talented. So I think it's gonna be a lot of fun being a part of the White Tiger. It's a film. It's a feature film. Yeah. Oh yeah. Bahut proud hoon main. Yeah, I'm very, very proud of it. I'm a big fan of Gully Boy. When it came out, I saw the trailer and it really touched me somewhere. And I saw the film twice as well. I think I'm very happy that, you know, Gully Boy is our official entry this year. So, what are those aspects of her acting that you really like? She's very free. I believe that she's somebody who just live in the moment when she's performing. She doesn't really plan too much. And I love being, you know, organic with my actors. So I think that's exactly what I see in Priyanka as well. And she's very passionate about this film. Well, thank you so much. I don't know if I'm powerhouse, but she's powerhouse for sure. It definitely becomes easy when you have somebody so talented in front of you, because acting is, for me, it's all about reacting. You know, when you are when somebody's doing some amazing one in front of you, it just makes your job easy. Thank you. बोलो बताओ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजिटल कंटेंट और एक्टर्स जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उन्हें इनकरेज करने का एक्नॉलेज करने का और उनके अच्छे काम को राइटिंग डायरेक्शन शोज सबको और ज़्यादा इनकरेजमेंट देकर सहारने का Thank you. I'm wearing Swati Singh. Can you do something? Can you do a small twirl or something for the This is not a twirl outfit. No, I can do a... Where do you want me to do it? Thank you. Sorry. Thank you. Thank you. Very nice. I was very excited. International awards, international nomination. So I was excited. I think so. I think the reason we've not been nominated for so many years probably because our TV content wasn't really at par. But I think with the digital platforms, we are making such good
content and series and whatever, TV. So I'm sure this is just the beginning. I'm sure every year we would get more and more nominations. What do you think has changed with Indian content, how that has become of global appeal? I think a slightly more freedom with digital platform and good budgets, and also sort of the change in the audience. Earlier the target audience was specific, right? So we have to do only Indian, only whatever. Now the audience has changed. A target has changed, so the content is changing. Can change much better, can be better. You've been part of international projects as well. How has the experience been there vis-a-vis, say, what? I've done only two international projects, so it's not like I can sort of compare. Yeah. Abhi Apple ho gaye main. So, next for Netflix? Pata nahi yaar. Abhi Apple ne, matlab, dekhte hain. Basically. Yes. ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है हाँ आई थिंक इट्स सच अ गुड फिल्म आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड आई होप दे गेट नॉमिनेशन इन ऑस्कर्स आई एम डूइंग सॉरी अ फिल्म आई डिड कॉल्ड रात अकेली है दैट विल रिलीज आई डोंट नो व्हेन एंड नेक्स्ट इज शांताराम आई हैवंट साइन देयर इज अ कपल ऑफ थिंग्स आई एम साइनिंग बट नो आई कांट टेल आवर शूट स्टार्ट्स End of October. अरे इतना नहीं बता सकती हूँ नो नो I'm being very picky somehow. Hello, how are you? I'm coming. Done, na? How are you? Thanks. I'm very excited. I'm glad that people who've worked in the web sphere, the OTT sphere, are being celebrated in this way. They've all worked hard. It's an opportunity to tell all kinds of alternate stories that otherwise you wouldn't be able to hear and you wouldn't be able to watch. It's an opportunity for talents that would otherwise be undiscovered to be discovered. I love it. Awards? Matlab, if you win, it feels good. But apart from that, awards shows in general are creating competition in a place where you should ideally be free from competition. You should ideally just be struggling to fail bigger and better instead of being worried about failing. So it's tricky. It feels good to win, but I also believe that everybody nominated today are like so good and so talented, and I'm glad to be here amongst them. Congratulations. That's great. I'm so glad that telling the story of, again, an alternate, a group of people you wouldn't usually tell the story of here in Bombay, is something that is going all the way internationally. That makes me feel great. My forthcoming films, there's one called House Arrest, which is a Netflix original film. It's coming out later this year, around November time. Unsure of the exact. And then there's another film I just finished the first schedule for called Tesh, which is Bijoy Nambiar's next film. It is very interesting. I'm really looking forward to how that turns out. For me also, it's my first protagonist role where I'm not playing a fucking asshole, which is nice. And I haven't been given the opportunity to play those kinds of characters. I get all of the feedback I get nowadays is, you know, we really hated you at the end of the movie, and I kind of want to do something else. So I'm really looking forward to it and it coming out. Huh? There's another one, yeah, there's another one, but I'm not supposed to talk about it. It's another Netflix thing. And then there's another one that I'm even more not supposed to talk about. No, that's something else. I'm not telling you. Thank you, guys.
बहुत ज़्यादा एंड मुझे न्यूज़ 18 आइडियल अवार्ड्स बहुत ही पसंद है बिकॉज दे आर वेरी इंटरमिटेंट सेटिंग, काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है और सारे कंटेम्प्रेरीज हैं तो सब लोग एक दूसरे के लिए शेयर अप कर रहे होते हैं तो आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी ज़्यादा यार, जब आप बहुत शिद्दत से काम करते हैं और उसको अगर रिकग्नाइज़ किया जाता है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग एंड इट्स अ स्पेशल मोमेंट एंड नाउ आई अंडरस्टैंड इट इवन बेटर. एंड हमारे कुछ शोज जिसमें हम लोग पार्ट रहे हैं वी आर सो दे हैव बीन अप्रिशिएटेड सो मच एंड गिवन सो मच लव एंड दे आर नॉमिनेटेड सो या दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग. जी जी कुछ नहीं, आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस फॉर बींग सो लॉयल टू सीक्रेट गेम्स. उन्होंने एक साल वेट किया था शिद्दत से, ऑल थ्रू द ईयर द एक्साइटमेंट नेवर फेडेड एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बिन फिनोमिनल, पीपल हैव लव्ड इट एंड एवरी कैरेक्टर दे रिमेंबर इन सीक्रेट सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ सच अ शो. हाँ जी यस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. It's a huge project for me and I've had the bestest time working on it. Bioriff is very special to me anyways. So yeah, I'm really excited. I think it's one of a kind project which brings two superstars together and I'm excited to see it myself. Abhi ek Asura karke web series hai jo Arshad Varsi ke saath hai, that's going to come out on Voot. And there is Criminal Justice Part 2, the season 2 which is going to start. एंड एक और वेब सीरीज है जिसकी बातचीत चल रही है बट इट्स आई कॉन्ट रियली टॉक अबाउट इट येट. थैंक यू जी वेरी एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गली बॉय एंड ज़ोया अख्तर एंड जिस तरह गली बॉय बनाई गई थी इट्स सच अ कल्ट मूवी यू नो हमारे लिए लाइक इट्स लाइक अ यार्डस्टिक ऑफ सॉर्ट्स सो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई थिंक इट रियली डिजर्व्स टू बी प्रेजेंटेड ऑन दैट इंटरनेशनल level and let's hope we bring the Oscar home. Thank you. Haan ji? What do you think? When you see two of them shake legs, what do you think would be the experience like? I was flabbergasted to see what they can do and I was totally weak in my knees the whole time. So yeah, it was absolutely amazing working with them. Okay. Ritik sir is very, very hardworking. He's a perfectionist and he gives his all. And Tiger is extremely humble a person. Like you can't believe how humble a person can be. Very sweet, like a good boy, sweet boy. So yeah, that's my takeaway of how people are such endearing personalities. I can't talk about that right now. I don't know, yeah. I mean, I've never thought of it that way. I think I've just been blessed to be associated with projects which are very prestigious in nature. But for me, it's always about the role, about what the concept and the script is and whom am I getting to work with. That's always been more exciting, or that's what stays with me rather than how big the project is in terms of scale. But yes, apart from that, the great thing is that these movies are out there for the masses and everybody will see them, and that's a great feeling. Plus, thankfully, so far I've had great time working in all three of these projects, so thank you. War is one and some web series. I hope I have more news to share soon.